It's a black day. It's a black, black, black fucking day, bro. क्या ही बोलू यार, सब ब्लैक. अबे यार, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा. पेप, मैंने पिछले पॉडकास्ट में ही बहुत पहले बोला है एक बारी, सब्स्टिट्यूशन किस लिए होते हैं भाई? और तू सबसे ज्यादा रंडी रोना करता था कि पांच पांच सब चाहिए, पांच सब चाहिए, पांच सब चाहिए करके. यू आर वन ऑफ द लीडिंग मैनेजर्स हु वाज अप फॉर दिस न्यू रूल कि पांच सब्स्टिट्यूशन चाहिए करके. किस बात के यार, जेब में डालेगा वो पांच सब्स्टिट्यूशन? क्या कर रहा है यार? फर्स्ट टाइम हम लोग बस एक बार सिटी को सपोर्ट करते हैं जो कि लिवरपूल के अगेंस्ट होता है मैच, और उसमें भी यार तुम लोग कम ऑन यार, एक ऐसी टीम के साथ जो अभी बॉटम पे है. नॉट डन कम ऑन मैन, वो अभी 9th पे स्ट्रगल कर रही है. तुम लोग साला को अपने प्राइम पर लेकर आ रहे हो यार, कम ऑन ले. तुम लोग इतने अच्छे फॉर्म से चल रहे हो यार, तुम लोग अच्छा खेल रहे हो. मुझे कुछ भी अभी वो बिलीव ही नहीं हो रहा, स्पेशली जैसा वॉइस कल खेला ना, मेरे को वो बिलीव ही नहीं हो रहा कि हम वो फॉर्म में थे या ये. बट उससे मैं इम्पोर्टेंट बात पे आना चाहता हूँ कि बॉयज को ये समझना बहुत जरूरी है. आई एम रेफरिंग टू सिटी फैंस आउट देयर, जो भी ये देख रहा होगा, या अगर आप देख रहे हो और आप किसी दूसरे क्लब के फैन हो तो प्लीज आप जिस सिटी फैन को जानते हो उसे ये फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, कि ये जानना बहुत जरूरी है फॉर न्यूट्रल फैंस एज वेल. बिकॉज बाकी लोग तो हमें बड़ा चढ़ा के ही बोलेंगे कि हम फेवरेट्स हैं, हम ये है, हम वो है, सारे कप जीतने चाहिए तुम्हें ऐसे करके. बट जब हारेंगे वही लोग हमें सुना के मस्ती भी उड़ाएंगे हमारी, कि ये हार गया, ये कर गया, वो कर गया करके. But as fans, to be, you know, facing reality checks also is very important. Ki hum away acha nahi khel rahe. Newcastle away 3-3. Shivam. Aston Villa away 1-1. Copenhagen away 0-0. Penalty miss kiya tha usme. Wo to chhod do. Fourth now away game against Liverpool at Anfield 1-0. When we were unbeaten, scoring so many goals for fun. And Liverpool was struggling defensively. उन्हें जाके हम clean sheet देके आए हैं. शर्म आ रहा है यार मेरे को. So it's tough to beat Liverpool at Anfield, but जैसा form चल रहा था दोनों team का, उस हिसाब से तुम लोगों को definitely जीतना चाहिए था last match. The form, जो Haaland जिस form में था, जिस form में Foden था, जिस form में De Bruyne था, so it's very unexpected from Manchester City to lose yesterday's match. See, because these are the fine margins jahan pe na, you know, like abhi hum log Liverpool se haar ke 4 points behind the table toppers there, which is Arsenal. Yes, Arsenal are playing good, all fun and games, but ab bari hai, main apne club ki baat karu to main bilkul naraaz hu Pep se ki usne acha nahi kiya yaar. सब्स्टिट्यूट करना चाहिए. 90th मिनट पे अल्वारेज ला रहा है 90th मिनट पे. क्या क्या ही फायदा कर रहा है तू 90th मिनट? लाइक आई यू लाइक किडिंग मी ब्रो, सीरियसली. मतलब दीज आर द मैचेस, जब भी एक किसी भी लीग में कट टू कट मैचेस चलते हैं, पॉइंट्स डिफरेंस होता है. सो दीज आर द मैचेस जहां पे डिफरेंस पता चलता है. टीम लाइक लिवरपूल, टीम लाइक यूनाइटेड, टीम लाइक स्पर्स, टीम लाइक चेल्सी, इनके साथ अगर हम लोग पॉइंट नहीं ले पाते हैं, अगर वहां पे फर्स्ट और सेकंड का फाइट चल रहा है, देन यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी, यू गाइस विल बी इन ट्रबल. और अभी सिटी 4 पॉइंट पीछे, यू आर इन ट्रबल राइट नाउ, बिकॉज अभी आर्सेनल और सिटी का मैच हुआ नहीं है. करेक्ट, वही गेम तो अभी पोस्टपोन हो गया ना, जो अभी होना था नेक्स्ट वीक. सिटी एंड आर्सेनल आर हैविंग अ ब्लैंक गेम बिकॉज वी वर सपोज्ड टू प्ले ईच अदर, बट वो पोस्टपोन हो गया. And one more thing, तूने substitution का बात किया, मैं फिर से ये चीज बोलना चाहता हूँ कि Pep, I respect you a lot, but जो भी तू decision लेता है वो बहुत wrong है in substitution only, because तेरे bench पे हर एक ऐसा player है जो deserve करता है अपना playing time खेलने का. And a team like Liverpool, तुम Liverpool के साथ खेल रहे हो away जाके and you are struggling, और उसमें अगर तुम अपने सब्स्टिट्यूशन को, जो कि इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स बैठे हुए हैं, उनको नहीं लेकर आ रहे हो, तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू यार. इट इज वेरी बैड यार. सी लाइक आई एम नॉट सेइंग कि रियाद महरेज इज इन स्प्लेंडेड फॉर्म, उसे लाना चाहिए था, गेम बदल जाता. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. ग्रीलिश इज ट्राइंग टू फाइंड हिज फीट, वो आकर क्या ही कर लेता करके, ओके आई कैन अंडरस्टैंड दैट एज वेल. बट जिस प्लेयर को उसने उतारा, जूलियन अल्वारेज, he's a new freaking signing, he's been so good for us, everybody knows ki uska pressing intensity kitna acha hai game mein. Like a team against Liverpool, when you are playing nil nil game chal raha hai, 50 ke baad 60 ke baad 70 pe la deta yaar. Liverpool ne triple substitution kiya, uske baad unka goal bhi 70 ke baad hi aaya.
तू अंदर फेंकता तो सही यार कि डिफरेंस देख पाते हैं उनकी. ओके अल्वारेज हैज कम ऑन, ओके वी हैव सम न्यू एनर्जी अप टॉप, यस ही इज प्रेसिंग इन अ डिफरेंट मैनर, द डिफेंडर्स ऑफ लिवरपूल यू नो आर लिटिल बिट टेकन अबैक, ओके समबडी न्यू हैज कम, वी हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू हाउ नाउ सिटी आर प्लेइंग अप फ्रंट, बिकॉज वो सेम तरीके से खेल रहे हैं तो वो लोग तो जान गए ना क्या हो रहा है करके. एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, वेदर इट इज मैनचेस्टर सिटी और वेदर इट इज नॉटिंगहम फॉरेस्ट, एक सब्स्टिट्यूशन के वजह से काफी फर्क पड़ता है, बिकॉज दे आर फ्रेश लेग्स. बहुत यार, अगर एक सब्स्टिट्यूशन आता है दे आर इन फॉर विनिंग मैचेस. अभी हम लोगों ने कितने सारे ऐसे प्लेयर्स देखे जो सब्स्टिट्यूट होकर आकर और इतना अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं. यूनाइटेड लेजेंड ओले गुनर सोल्शियर, वो एक वैसा प्लेयर था. एंड अभी मैं यूनाइटेड की बात नहीं करना चाहता, जर्मनी वर्ल्ड कप विनिंग गोल वाज फ्रॉम अ सब्स्टिट्यूट, पोर्चुगल यूरो विनिंग गोल वाज फ्रॉम अ सब्स्टिट्यूट. मतलब सो मतलब सब्स्टिट्यूशन होता किस चीज के लिए ये भूल गया है क्या पेप यार? मतलब न्यूकासल ड्रॉ भी 3-3, तूने एक सब्स्टिट्यूशन नहीं किया था. अभी लिवरपूल के साथ अवे जा रहे 1-0 डाउन होने के बाद भी उसने अंदर नहीं फेंका यार किसी को. एंड व्हेन यू गाइस वर प्लेइंग वेरी गुड, किसी मैच में तुम लोग बहुत अच्छा खेलते हो, वहां पर तुम लोग बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट करते हो, वहां पर पांच करेगा, पांच करता है, कोल पामर लाएगा, गोमेस लाएगा, लुइस लाएगा, सबको अंदर फेंकेगा. जहां पर तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो, जहां पर तुम लोग को जरूरत है ग्रिलिश जैसे प्लेयर की जो लिवरपूल के अगेंस्ट हमेशा अच्छा खेलता है, उसको तुम बेंच पे रखे हुए, उसको तुम लेकर भी नहीं आ रहे हो आफ्टर 70 मिनट. सो इट्स क्वाइट शॉकिंग है पेप. आई रियली लव यू अ लॉट, आई रिस्पेक्ट यू, मैं बहुत फ्रिस्ली मैं फैन हूं तेरा, और तुम जितना क्लब के लिए किया है बहुत बड़ा बात है. द वे वी प्ले ऑल्सो राइट नाउ इज ऑल बिकॉज ऑफ योर हेल्प, आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट एब्सोल्युटली. यू डू अ ग्रेट जॉब ऑफ मैनेजिंग प्लेयर्स इज गेम टाइम एज वेल, बट इन सर्टेन गेम्स लाइक दीज आर दोज बिग गेम्स राइट. ऐसा ही गेम का लेवल होने वाला यूसीएल में भी राइट, टोटली यही मिस्टेक करेगा तो यूसीएल में भी हम फिर से वही जोक बनने वाले हैं. मैं क्या बोलूं फिर, हम लोग यूसीएल कैसे फिर से वो ओवरथिंकर पेप वाला चीज वापस आ जाएगा. एब्सोल्युटली यार, चेल्सी के साथ फाइनल में किया था पेप ने. सो इट्स बेटर टू स्टे काम और अपने सब्स्टिट्यूट को लेकर आओ जहां पे तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो. फॉर मी तुम लोग वहां पे ही मैच हारे जहां पे जाओ कंसेलो ने वो मिस्टेक किया, जहां पे साले को सेकंड टाइम सेम चांस मिला बिकॉज सिटी वर प्लेइंग वेरी हाई लाइन. करेक्ट, साले को सेम चांस मिला और सेकंड टाइम तो मिस नहीं करने वाला था. फर्स्ट टाइम में भी हम लोगों ने बात किया, इट वाज नॉट अ मिस एट ऑल. फर्स्ट टाइम में एडिसन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सेव, क्रेजी सेव, क्रेजी सेव किया था उसने. सेकंड टाइम अब साला को तुम प्लेटर पे दोगे कि हाँ एग्जैक्टली, वो पहले तुमको चिकन 65 दिया, ठीक है उसने मिस कर दिया, चिकन टिक्का, हाँ चिकन टिक्का मोसा था डाल दिया, कुछ भी मतलब होना ही है ना, उसको दे दोगे एक वन टाइम तो डालना ही है 1v1 मोसा. बिफोर यस्टरडेज मैच मोहम्मद साला वाज नॉट लुकिंग दैट गुड. एग्जैक्टली, वो दोनों चांसेस के अलावा भी मैंने वैसा इंपैक्ट देखा नहीं मोहम्मद साला को लास्ट मैच में करते हुए. बट कंसेलो एंड साला दोनों एक दूसरे को मैन मार्क कर रहे थे और वहां पे आई पर्सनली फील कि जाओ कंसेलो ने दो बार मिस्टेक किया और जिसके वजह से वो रूम मिला साला को कि वो आगे जाए और वन ऑन वन एडर्सन के साथ. उसने एक बार सेव किया, हैट्स ऑफ, बहुत ही अच्छा सेव. बट सेकेंड टाइम ऑब्वियसली एक स्ट्राइकर 99% टाइम ऐसा होता है कि वन ऑन वन वो मारता ही मारता है. और सी शिवांग ने काफी बार कहा भी है कि द वे सिटी प्ले द फुटबॉल दैट दे प्ले गेम इन गेम आउट एवरी गेम वीक द वे दे प्ले इवन अ सिंगल मिस्टेक मेड बाय एनी प्लेयर वो बहुत इजीली विजिबल हो जाता है. दैट्स हाउ सिटी प्लेज राइट नाउ, दैट्स हाउ पेप हैज मेड सिटी प्ले. कि वी प्ले सच गुड फुटबॉल दैट कोई मिस्टेक करता है तो एविडेंटली दिख जाता है फॉर एनी फुटबॉल व्यूअर आउट देयर. तो कैंसेलो का कल का वो मिस्टेक ही सबसे एविडेंटली सबसे सब लोग बात करेंगे कि उस वजह से भूल गया. सिटी अभी ऐसी टीम है जहां पर कोई भी एक मिस्टेक करेगा ना उसको लोग इग्नोर नहीं कर सकते. एग्जैक्टली, टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, टॉकिंग अबाउट चेल्सी राइट नाउ, टॉकिंग अबाउट स्पर्स राइट नाउ, वहां पे अगर कोई बंदा एक मिस्टेक करता है वहां पे हम लोग उस चीज को इग्नोर कर सकते हैं कि हाँ चलो एक बार मिस्टेक हो गया कोई दिक्कत नहीं है. सिटी अभी ऐसे फॉर्म में चल रही है जहां पे वहां पे कोई भी एक बंदा अगर मिस्टेक करेगा तो उसके पास बेंच पे ऐसा प्लेयर है जो अंदर आकर वो इम्पैक्ट दे सकता है. एंड यही चीज चाहिए था कल के मैच में जो पेप ने नहीं किया.
एंड दैट्स व्हाई सिटी लॉस्ट यस्टरडे. फॉर मी मेरे को ऐसा लगता है कि सिटी हारने का रीजन बस वो था, वही था रीजन यार. दे वर एब्सोल्युटली बिकॉज गेम चेंज करने के लिए तो सब्स्टिट्यूशन होता है और उसने गेम चेंज किया ही नहीं. He stuck to his own plan. This is where sometimes you know Pep brings in his arrogance. Overthinking. So sab log ye kehte hai ki yaar as fan you have to support your manager and things like that, but in the end club sabse important rehta hai yaar as a fan. Exactly. Aur hum club se bahut pyar karte hai. Tu bencho tere self ye belief or arrogance mein substitution nahi karega. I'm sorry for my language today, but that's how he has made me feel ki kabhi kabar na wo bahut adamant rehta hai ki ha main aisa hi karunga karke. But don't do it in such games, na yaar. Where you could have easily changed it by your own mistake, you didn't, and then tu apna arrogance ko back kar raha hai ki nahi ye wo aisa sab karke. You know Anfield is a tough place to go to. You know Anfield plays like a 12th man for Liverpool. Hats off to Liverpool fans and Anfield crowd. The way they show their passion towards their club and because the players out there. Match mein, respect. मैं seriously बता रहा हूँ, मैंने बिल्कुल भी expect नहीं किया था कि City हार जाएगी. I was expecting कि चलो हाँ draw हो सकता है. वहाँ तक मैंने सोचा था, but हारने का मैंने नहीं सोचा था because दोनों team का form जैसा अभी चल रहा था, Liverpool was continuously losing points और City extreme level पे बहुत ही अच्छे form में चल रही थी. और bro it was a classic case. मैं इतना गुस्सा इसलिए हूँ कि City were in a strong run of form of scoring goals and Liverpool were in a very bad form of conceding so many goals. और उनके अगेंस्ट हमने एक गोल नहीं मारा, उन्हें क्लीन शीट दे दिया. It's so humiliating, you know, कि क्या कर रहा है सिटी. तो ये बता रहा है, इट्स जस्ट शोइंग मोर एंड मोर एविडेंस दैट अवे गेम्स हम लोग अच्छा नहीं खेल रहे हैं. तुम लोग शायद दो मैचेस जीते हो इस सीजन अवे. बस अवे में वेस्ट हैम के अगेंस्ट और वुल्व्स के अगेंस्ट, जहाँ पे वो लोग खुद अच्छा नहीं खेल रहे थे वुल्स और वेस्ट हैम शायद. Yes. और स्टार्टिंग ऑफ द सीजन तुम लोग जीते थे वो मैच और वहां पे वो लोग उतना अच्छा फॉर्म में नहीं थे. अभी भी नहीं है वेस्ट हैम और वुल्स उस फॉर्म में. ब्रो एस्टन विला के साथ हमने जब 1-1 ड्रॉ किया था, एस्टन विला वाज आल्सो अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, दे वर नॉट प्लेइंग गुड, दे वर नॉट गेनिंग पॉइंट्स, जेरार्ड वाज ड्रॉपिंग पॉइंट्स. न्यूकासल में अग्री कर सकता हूं बिकॉज़ न्यूकासल गेम न्यूकासल अच्छी खेली थी, बट उसमें भी मेरा वही कंसर्न था कि उसने एक सब्स्टिट्यूशन नहीं किया न्यूकासल गेम में. एंड आई थिंक तुम लोग 3-1 डाउन थे उस मैच में. यस. और 3-3 किया था. यस. तो उस गेम को फिर भी मैं नजरअंदाज कर सकता, बट एस्टन विला 1-1, देन लिवरपूल 1-0 लॉस, एंड कोपेनहेगन 0-0. Copenhagen bhi again 10-man tha karke, I can again accept it that it was a 10-man game away from home, jaakar hum draw kar rahe karke. But that's not the matter. The matter here is Liverpool ke against Premier League points drop karna in such a tight game. People will talk about the Joao Cancelo mistake, but I here want to point out one of my favorite and many people out there's favorite, De Bruyne. De Bruyne kya kar raha tha yaar us free kick mein. Right. उसके पास एक अटैकिंग फ्री, दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू स्कोर अ फ्रिकिंग गोल. वहां पे ही पुट अ सच अ बैड बॉल मैन, मेरे को गाली देने का मन कर रहा है. सीधा उसने एलिसन के हाथ में बॉल दे दिया एंड कुडोस टू एलिसन, उसी ने लिवरपूल को जिताया इन माय ओपिनियन. जो उसने असिस्ट भी दिया उधर सलाह को, प्लस द सेव दैट ही मेड इन द गेम, नेक्स्ट लेवल. हालैंड को शांत रखना, दो शॉट उसका, एक डिंक वाला जो बीइंग अ टॉल गोलकीपर एलिसन ने सेव करा वो, देन एक राइट बॉटम भी क्लोज कॉन्टैक्ट फिनिश जो उसने सेव किया, आउटस्टैंडिंग सेव्स, मैन ही केप्ट देम इन द गेम, देन असिस्टिंग साला, टॉप नॉच परफॉर्मेंस फ्रॉम एलिसन बेकर मैन. क्या खेला है भाई, क्या खेला है उसने. एंड कुडोस टू एनफील्ड, क्या बोलू, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है. मुझे शांत कर दिया था कल रात के बाद, मैं फुल शांत था. अभी जब बोलने को बोल रहे हैं मैं बोले ही जा रहा हूँ. आई जस्ट वांट टू से that the Anfield curse is real. It is a haunting ground for all the clubs out there. And ek stat main batana chahta hu, I hate football, I hate Liverpool. I'm sorry, I'm so sorry. Main ye nahi sunna chahta. I hate Liverpool, he hates Liverpool. But Virgil van Dijk ka ek stat, it's crazy. Usne 69 matches khela hai Anfield mein and he's still unbeaten. It's shocking and it's crazy because in modern football अभी ऐसा कोई player नहीं है जो अपने home ground पे home turf पे unbeaten है. It is commendable, respect, jokes apart, totally respect to Virgil van Dijk. Credit to that guy कि
सच अ स्टार्ट बोस्ट करना, बट आई एम हैप्पी कि कल के मैच के पहले उसका फॉर्म बहुत ही गंदा चल रहा था। अगेन सिटी, ऐसा हो गया हो गया। आई जस्ट वांट एंड आई वांट टू पिनपॉइंट लिटिल बिट ऑन अर्लिंग हैलैंड एज वेल। लाइक उसने आया फटाफट 15 गोल प्रीमियर लीग में मार दिया, इन ऑल कॉम्पिटिशन 20 गोल्स मार दिया, तो यू नो एक एरी एलिमेंट ऑफ हैलैंड है, हैलैंड है अभी वो मैजिक एंड क्लस्टर में हम भूल जा रहे कि इज आल्सो ह्यूमन ओनली इज अ प्लेयर, ही विल हैव गेम्स पे वो नहीं स्कोर करेगा, एंड दैट हैज हैपेंड फाइनली इन द प्रीमियर लीग। एंड बट मैं यहाँ पे उसके सपोर्ट में नहीं बात करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एज अ सिटी फैन उसके बारे में थोड़ा स्ट्रिक्टली बात करना चाहता हूँ कि ही हैड चांसेस यस्टरडे। वन हेडर जो उसने सीधा हाथ में मारा, टू ब्यूटिफुल सेव्स फ्रॉम एलिसन ऑफकोर्स, जो उसने डिंक किया, जो उसने क्लोज रेंज शॉट लिया, बट जो क्लोज रेंज शॉट लिया उसने गिरते गिरते मारा, तो प्रॉब्ली द कॉन्टैक्ट दैट ही वुड हैव लाइक्ड वो नहीं मिल पाया उसे, एंड डिंक वाला भी शायद ही कुड हैव डन अ बेटर जॉब। बट आई फील दैट दीज मोमेंट्स आर वॉट बिकॉज ऑफ विच वी हैव ब्रॉट यू इन अर्लिंग हैलैंड, यही तेरा जॉब होना चाहिए कि तुझे ये कन्वर्ट करना है। आई एम बीइंग हार्श, आई एम बीइंग लिटिल स्ट्रिक्ट ओवर हियर, आई शुड शो मोर सपोर्ट, बट आई फील कि यही चेंज के लिए वो आया है, एंड दिस इज वॉट विल मेक हिम यू नो दैट द वर्ल्ड्स बेस्ट। आई जस्ट डोंट वॉन्ट हिम कि यू आर अ टॉप सिटी प्लेयर, वी ऑल सी यू एज अ पोटेंशियल यू नो वन ऑफ द टॉप स्ट्राइकर्स आउट देयर इन द वर्ल्ड, वैसा तो यही चेंज तो चाहिए। आई फील एक मैच के लिए हम लोग उसको बोल सकते हैं, आई एम श्योर ब्रो नेक्स्ट गेम शायद वो बूम बाम फाड़ देगा। exactly, मतलब बट वो चीज मैं मानता हूँ कि ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट वॉज लिवरपूल यस्टरडे जो स्कोर करना चाहिए था, ये सही बोल रहा है, टेकन दैट रिवेंज ना यार, कम्युनिटी शील्ड में हम हारे थे, उसी गेम में उस पे ट्रोल्स आई थी, जो चांसेस उसने मिस किया था, उसी तरीके का चांसेस उसके पास कल के गेम में भी था। मैं वही कह रहा हूँ कि इट वॉज लाइक अ रेपिटेशन ऑफ दैट, उधर कम्युनिटी शील्ड में भी ही हैड दोस चांसेस, ही डिडंट स्कोर, ही गेव दैट स्मर्क स्माइल, वी ऑल नो व्हाट ही डिड आफ्टर दैट, दैट इज रेस्ट हिस्ट्री लाइक वी से इन फुटबॉल। बट I wanted him to get that revenge. As a City fan, obviously I was rooting for him. Ki tu fod yaar. Bas. Thank you so much, guys. Thank you so much. अभी ये रुकने वाला नहीं है, अभी इसका non-stop चलने वाला है। अपना चलते रहे। अपना बैटर चलते रहेगा। और मेरे को, मैं अभी भी ये चीज बोलना चाहता हूँ कि सिटी कुछ भी कर ले यार, सिटी चैंपियंस लीग के बारे में मत बोल, चैंपियंस लीग के बारे में मत बोल, नहीं, कट। गाइस सब्सक्राइब करिए, प्लीज सपोर्ट करिए, एंड बैंटर करते रहिए यार गाइस, बिकॉज व्हाट्स फुटबॉल विदाउट अ बैंटर गाइस, कीप लविंग यूनाइटेड, कीप लविंग सिटी, सिटी लव्स यू।